अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वो बायो का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, बायो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है और आप लोगों को इसके बारे में पता भी है कि बायो क्या चीज़ है। इसकी स्टडी करते हैं, इसमें जो लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमंस, ये इसमें सब आ जाते हैं बायो में। तो इनके हम मुख्तलिफ इनकी बॉडीज़ के मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसकी जो मुख्तलिफ अंदर इंसानी जिस्म में या फिर जानवरों के या पौधों के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कैसे निज़ाम चल रहे हैं, अलग अलग कैसे निज़ाम बनाए हैं उनके अंदर, और इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हैं। तो इनके अंदर इतने ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी हैं। जितना कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, उतने ही उसके अंदर सिस्टम्स भी कॉम्प्लेक्स हैं। इन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। और एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडीज के अंदर जो टॉक्सिक जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, बॉडी से निकाला जाता है। जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऐसे सिस्टम्स हैं जिनसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है, और पूरा इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा जानवरों के अंदर भी ये सिस्टम है, क्योंकि उनके अंदर भी सीधे से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ह्यूमन और ह्यूमन्स और जो एनिमल्स हैं उनमें तकरीबन तकरीबन जो है उनके सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच कर रहे होते हैं, एक जैसे उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो ये सिस्टम चला रहे होते हैं। इसके अलावा जो पौधे हैं, पौधों में भी एक्सक्रीशन होती है, तो उनमें इतने जो है वो कॉम्प्लेक्स और कोई सिस्टम तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर ऐसी जो ऑर्गन्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है वो असल में क्यों होती है, इसका ना हो तो क्या हो? एक्सक्रीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हमने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, बार बार हमने उसको पढ़ा, आप लोगों को याद भी होना चाहिए। तो जो मुख्य मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनके नतीजे में जो वेस्ट बनते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वो जहरीले होते हैं, और उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना, निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहें तो फिर हमारी बॉडी में वो तरह तरह की डिजीजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो या प्लांट्स की बॉडीज के अंदर, ठीक है, मेटाबोलिज्म तो सब में हो रहा है। मेटाबोलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस को वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी और प्लांट्स की, एनिमल्स की बॉडीज के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जो कैटाबॉलिज्म है वो क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है, मीन्स ये दोनों मिलके एक मेटाबॉलिक प्रोसेस बना कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है? इसमें जो बड़े जो कंपाउंड्स हैं वो टूटते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होती है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ग्लूकोज टूटता है और वो क्या देता है? वो किसमें टूटता है? वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है, ये तीन चीज़ें उससे मिलती हैं। अब देखिए, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हुआ है? कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है, मीन्स इसमें ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन है लार्जर मॉलिक्यूल्स की, लार्जर कंपाउंड्स की इंटू स्मॉलर और सिंपलर वंस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है कि क्या इसकी एग्जाम्पल है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। ग्लूकोज जो है जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स तक जब पहुंचता है तो सेल्स के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ब्रेक डाउन होते हैं, वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। अब देखें,
ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है इसमें तीन चीजें बनी हैं। एक तो एनर्जी, वो हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक है, हमारे सेल्स वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, मुख्य प्रोसेस में। दूसरा क्या होगा, दूसरे इसमें जो वाटर बना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बन गया है, वो भी सेल्स से निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें जो हैं अब वो एक्स्ट्रा जो बाय प्रोडक्ट्स जो बने हैं इनको बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से निकालना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो हार्मफुल है सेल्स के लिए, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस आएगी सेल से, वो जो सेल से वापस आएगी सेल से, फिर ये हमारे ब्लड में, और फिर ब्लड से हमारे लंग्स में, और फिर हमारे लंग्स में इसमें जब ये पहुंचेगी तो हम जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, सांस हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब देखिए ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है जिसमें ब्रेक डाउन हुई है और एक वेस्ट प्रोडक्ट जो बना है वो बॉडी से निकल रहा है। अब देखिए निकलने का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसकी हमारी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है वो एक सिस्टम के तहत जो है वो आके हमारे लंग्स से, बॉडी से निकल रहा है लंग्स के जरिए, ठीक है। तो हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म में हमने बात की कैटाबॉलिज्म की, ठीक है। कैटाबॉलिज्म आपको समझ आ गई कि क्या है, ब्रेक डाउन है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। अब दूसरी है क्या है, दूसरी है एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट क्या था, कैटाबॉलिज्म, सेकेंड वन क्या है, एनाबॉलिज्म। इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलके क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या है कि फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन सिंथेसिस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन और सिंथेसिस, मीन्स की कोई चीज बन रही है, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। तो अब सिंथेसिस में हम जैसे हम फोटोसिंथेसिस की इसमें बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं एनाबॉलिज्म में, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, मिलके तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, बड़ा कंपाउंड बनाती हैं, किसका, ग्लूकोज का, उसमें फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज, ठीक है। एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही थी, ग्लूकोज टूट रहा था, ठीक है। एनाबॉलिज्म में ही इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो कैनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी चीज की फॉर्म, कोई चीज बन रही है छोटे छोटे चीजों से मिलके बनी। अब देखें ग्लूकोज किससे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब ये क्लोरोफिल में, ये जो दोनों चीजें पत्तों में जब जाती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपको पता है कि अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और जो वाटर है वो रूट्स के जरिए पौधे जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो फिर जाइलम जो है वो उसको लेके ऊपर पूरे पौधे तक की पत्तों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, पत्तों में जा रहे हैं, ठीक है। तो पानी, अब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में जब चले जाएंगे तो वहां पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब सनलाइट पड़ेगी पत्तों के ऊपर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये दोनों चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्लूकोज बनेगा। जिस तरह से हमने ये चीज पढ़ी है इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, मीन्स ये मुख्तलिफ बड़ी चीजें टूट के छोटी चीजें बन रही है, जैसे हमारी डाइजेशन हो रही है, फूड की डाइजेशन हो रही है, तो उसमें स्टार्च, और आप लोगों ने पढ़ा है 9th में आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, उसमें आपने जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनमें आपने पढ़े हैं, स्टार्च पढ़ा है, ग्लाइकोजन है, तो ये जो हमारी खुराक में ये जो चीजें मौजूद होती हैं स्टार्च भी, ठीक है, तो इनकी ब्रेक डाउन होगी जब तो फिर ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में वो डिजॉल्व हो जाएगा और एनर्जी देगा। ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है, इनके नतीजे में हमने कहा कि क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल है एक, ठीक है, मैं आपको दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर है, तो अब ये हमारी बॉडीज पे, प्लांट्स की बॉडीज पे, एनिमल्स की बॉडीज से जो है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा, निकलेगा। अब इनको एलिमिनेट होने के लिए, निकलने के लिए कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स है, क्योंकि ये एलिमिनेशन कर रहे हैं इन टॉक्सिक कंपाउंड्स की, ठीक है, इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को हमारी बॉडी से निकाल रहे हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या ऑक्सीजन उसमें जो निकलती है या अंदर जाती है पौधे के पत्तों के जरिए, तो अब क्या चीज़ है, जहाँ क्या कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो एक तो नंबर वन जो है वो इसमें स्टोमेटा है, ठीक है, लीव्स में जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, और लीव्स के अपर और लोअर सर्फेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा। लेकिन जो अपर सरफेस है उसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली सन लाइट उसको पड़ रही होती है, तो उस पे जो है वो स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। जो इसकी लोअर सरफेस है लीव्स की, जो लोअर सरफेस है वहाँ पे स्टोमेटा
किलोमीटर ज्यादा होते हैं, ठीक है। और वहां से जो है वो वाटर, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो भी निकलता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो पत्तू के अंदर होता है एक्स्ट्रा वाटर, जो वो स्टोमेटा के जी वहाँ से लीव होता है, और जो एक्स्ट्रा उसमें ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वो भी जो है वो कैसे एक्सचेंज होती है। अब जरा उसको नहीं चाहिए वो ऑक्सीजन, पौधे को, वो निकालेगा अपनी बॉडी से, ठीक है। तो वो कैसे निकालेगा, किसके जरिए निकालेगा, वो इन स्टोमेटा के जरिए ये गैसेस एक्सचेंज करेगा। ये गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेगा, ठीक है, इंस्ट्रोमेटा के जरिए अपने इन्वायरमेंट से। देखिए हमारे पौधे हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, क्यों साफ करते हैं, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो इन स्टोमेटा के जरिए करेंगे, कि स्टोमेटा जो है वो जब ओपन होते हैं, ठीक है, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। और जब पौधे के अंदर ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, तो वो ऑक्सीजन, चूंकि हमें हमें ऑक्सीजन चाहिए, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो पौधों से फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जब खुराक भी बनती है और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है, तो वो ऑक्सीजन जो है उस स्टोमेटा के जरिए ही इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो इस तरह से अभी पौधों में जो ऑक्सीजन का सिस्टम है ये किससे हो रहा है, ये स्टोमेटा के जरिए हो रहा है। उसमें से एक्स्ट्रा वाटर भी जो है वो इन स्टोमेटा के जरिए निकल जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब भी इससे करेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट भी जो है वो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए करेंगे। उसके अलावा पौधों की जो जो बड़े लार्जर ट्रीज हैं उनमें जो है वो एक्सक्रीशन स्टोमेटा के अलावा एक और सेल्स होते हैं जिनको लेंटी सेल्स कहते हैं, उन लेंटी सेल्स से भी जो है वो एक्सक्रीशन होती है। ये जो लेंटी सेल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये पौधे के जो होता है बार्क, जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो बार्क होती है, ठीक है, जो मोटी लकड़ी होती है उसके बीच में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पौधे क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और क्या चीज़ एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट वन क्या है कि स्टोमेटा जो लीव्स में मौजूद होते हैं वहाँ से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है, लेंटी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं पौधे के, जो लार्ज जो सख्त जो प्लांट होते हैं बड़े वाले जिनके स्टेम्स बहुत सख्त मोटे होते हैं, ठीक है, उनके स्टेम्स में ये मौजूद होते हैं। उनकी जो बाहर जो मोटा छिलका होता है, कवरिंग होती है जो स्टेम के, उसमें ये छोटे छोटे लेंटी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है ये एक पूरा प्रोसेस है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा कि स्टोमेटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, तो इनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके जो सेल्स हैं स्टोमेटा, हमने कहा जो स्टोमेटल सेल्स हैं, ठीक है, जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, स्टोमेटा तो पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उनमें जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, गार्ड सेल्स वो जब उनमें टर्गर प्रेशर आता है, वाटर जब उनके अंदर जब ज्यादा होता है, तो सेल्स जो है वो फूल जाते हैं, ठीक है। वो सेल्स क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। हमने पोर्ट इन डिटेल इस चीज को पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। स्टोमेटा क्या होते हैं, वो जो उसके साइड पे जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। उनमें टर्गर, उनमें प्रेशर जो है वो डेवेल्प होता है, उस प्रेशर की डेवेलपमेंट की वजह से क्या है कि स्टोमेटा जो है वो उनके जो अंदर पोर्स है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जब पानी की कमी होती है पौधे के अंदर, तो फिर ये स्टोमेटा जो है ये उनकी जो गार्ड सेल्स हैं साइड पे जो, ठीक है, जो आपने बीन शेप सेल्स पढ़े थे, वो क्या हो जाते हैं, वो सेल्स मुरझा जाते हैं, उनमें टर्गर मीन्स उनमें जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा उनमें पानी खत्म हो गया, पानी निकल गया वहां से, जो सेल टर्जर था, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सेल वहां से सेल के अंदर से वाटर निकलना शुरू हो गया और सेल जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो गया, ठीक है। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो उसके अंदर जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। उस तरह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये थी स्टोमेटा की, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस है। आपने डिटेल पढ़ा था, मैंने आपको रिमाइंड करा दिया, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से वो बंद होते हैं, तो उनसे गैशियस एक्सचेंज होता है। तो ये प्लांट्स में, ठीक है, एक्सक्रीशन के या गैशियस जो एक्सचेंज है उसका हमने एक दो तरीके पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो है वो हमारे लंग्स हैं, एक जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे हमारे जो गैशियस एक्सचेंज होता है, वो गैशियस एक्सचेंज मीन्स की जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, ठीक है, जो हमारे सेल्स में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाती है, वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर से निकलती है? तो हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि लंग्स पर और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर मुश्तमिल है, और वो क्या करता है कि वो इस ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे बॉडी में ब्लड में मौजूद है, सेल से ब्लड में आई है, और ब्लड से फिर अब लंग्स में आएगी, और लंग्स से फिर वो किस तरह से एक्सहेल होगी, वो किस तरह से निकलेगी, तो ये इसका पूरा जो है वो प्रोसेस है जो हमने पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, वो लंग्स के जरिए होता है एनिमल्स में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा ये नोज से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें नोज आता है, फिर इसके बाद जो है वो फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, और इसके बाद फिर जो है वो ट्रेकिया आता है, फिर ट्रेकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं जो लंग्स में दोनों जो है वो डिवाइड होते हैं, जो छोटी छोटी दो नाल नालियां या ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। आपको अपने बुक पर भी ये अच्छा बना हुआ नजर आ रहा है, उसके अलावा 9th क्लास में भी आपने जो है वो पढ़ा है इसको, उससे पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, आपको इसके बारे में, आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसका तो आप सबको पता होगा और होना भी चाहिए। नोज सबसे पहला जो है वो ऑर्गन है, ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो एयर जो होती है वो हमारे नोज की नोस्टल्स से जो दो सुराख है वो जो है वो एयर को अंदर ले जाने का एक रास्ता है, ठीक है, वहाँ से एयर अंदर जाती है, और फिर जो अंदर हमारी जो नेजल कैविटी है, पूरी जो नेजल कैविटी है वो उसके अंदर जो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, और उसके अंदर जो वो म्यूकस होता है, म्यूकस में लेयर होती है जो म्यूकस क्रिएट करती है। तो ये क्या करते हैं, हेयर जो है हमारे जो हम जब सांस लेंगे हवा में, चूंकि डस्ट वगैरह मौजूद होगी, वो उस डस्ट को ट्रैक कर लेंगे, ठीक है, और उसको अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है, इस तरह से हमारी हवा को ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, और साफ करके उसको अंदर लेके जाते हैं, और म्यूकस जो है वो क्या करेगा, वो हमारी जो हवा है बाहर से जो ठंडी भी हो सकती है सर्दियों में जैसे ठंडी होती है, तो फिर उस हवा को ये क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मॉइस्चर देंगे उस हवा को, ठीक है, और इस तरह से जो डस्ट वगैरह है वो वहाँ पे हमारे जो नेजल हेयर है नेजल कैविटी के अंदर उसमें ट्रैक हो जाएंगे, और साफ रे टेम्परेचर के साथ में हवा जो है वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद जो है वो एक नेक्स्ट पोर्शन फेरिंग्स है, और फेरिंग्स में एक ये चीज आ जाती है कि उसमें दो ट्यूब्स आ जाती है, एक जो होती है वो ट्रेकिया है और दूसरी जो है वो एसोफेगस की ओपनिंग है, ठीक है, हमारी जो खाने की नाली है एसोफेगस उसकी ओपनिंग है। जो फेरिंग्स है इसके पास एक लैरिंग्स है, एक बॉक्स है छोटा सा, एक लिड है जो ट्रेकिया के ऊपर मौजूद है, जो हमारे विंड पाइप जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, जहाँ से हवा अंदर होती है लंग्स में जाती है वहाँ ये मौजूद है उसके ऊपर, तो इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी इससे आवाज जो है वो क्या होती है, पैदा होती है। जब हवा यहाँ से इंटर होती है हवा, तो फिर ये जो इसके ऊपर छोटा सा ये लिड होता है इसको जो है वो एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है, और फिर हवा जो है वो अंदर हमारे ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया जो है वो आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स पर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है, ठीक है, वहाँ से जो है वो क्या जाएगी, हवा इंटर होगी उस ट्रेकिया में, ठीक है, और उस ट्रेकिया से जब हवा इंटर होगी तो फिर आगे छोटी छोटी दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है ट्रेकिया, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, एक को ब्रोंकस कहते हैं। अब उस ब्रोंकस के लिए जो हवा है वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो हमारे लंग्स में पहुँच जाएगी, और फिर लंग्स के अंदर बेशुमार छोटे 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 गोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, गोल स्ट्रक्चर बैलून की तरह के छोटे छोटे, इनमें हवा जो है वो जाके घने हो जाएगी, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं लंग्स का, ठीक है, उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर जब हवा हमारे लंग्स में जाएगी चूंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, फिर जो वो जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके बाहर वो मेम्ब्रेन्स होती है, ब्रोंकियोल्स की जो बाहर वाली दीवारें होती है इतनी पतली होती है कि वहाँ से इजीली गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन आती है वो हमारे लंग्स में, अब उन ब्रोंकियोल्स की फिर क्या है, उनकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, उनमें ब्लड है, तो यहाँ ब्रोंकियोल्स में जो ऑक्सीजन जाएगी वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, जज्ब होना शुरू हो जाएगी, किसमें, उन ब्लड कैपिलरीज में, ये ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाएगी तो फिर इस तरह से फिर वो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके फिर जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सेल्स तक जाएगा और सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अब सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो इसी तरह से सेल्स जो है वो
ब्लड में भेज देंगे, ठीक है, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स के अंदर बनी है वो ब्लड में आएगी, फिर ब्लड वापस लंग्स में जब पहुंचेगा, लंग्स के गिर जो कैपिलरी जोन में जब वो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लंग्स में चली जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी, और फिर वो जो एक्स्ट्रा हमारे अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल बना है, जो टॉक्सिक गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग्स के जरिए जो है वो क्या हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी, फिर लंग्स हम जब एक्सहेल करेंगे, हम सांस बाहर निकालेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारे लंग्स से दोबारा हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर हमारे लरेंस में, फेरिंक्स में, और वहाँ से नेजल कैविटी और नोज के जरिए जो है वो बाहर चली जाएगी, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, हमारी बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है, ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जिसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। जरा हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हमारी अंदर बॉडी के अंदर और भी बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं, और वो किस तरह से एलिमिनेट होते हैं, ठीक है, बाकी यूरिया है, यूरिन है, ठीक है, अमोनिया है, बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं, एक अलग से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें बॉडी के हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो प्रॉपर जो है वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं यूरिन है यूरिया है इसको हमारी बॉडी के अंदर से निकालता है एलिमिनेट करता है, ठीक है, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।